मोबाइल की ऐसी दीवानगी कसम से आपने नहीं देखी होगी। बत्ती गुल हुआ तो क्या हुआ, फोन बिना नहीं रह पाएंगे। गर्मी से राहत मिले ना मिले, फोन फुल चार्ज रहना चाहिए। पावर कट पर भारी मोबाइल की लत। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से पावर कट। आजमनगर में यह रोज का खेल बन गया है। लेकिन पावर कट हुआ तो क्या हुआ, मोबाइल की दीवानगी कम नहीं हो रही। एक साथ कई लोग फोन चार्ज करने में लगे हैं, कई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे मौका मिलेगा वे भी अपने फोन को चार्ज करने में जुट जाएंगे। दरअसल आजमनगर में आजकल लोग पावर कट से जूझ रहे हैं, जिसके कारण भीषण गर्मी के बीच जीना मुहाल हो गया है। हालांकि लोगों को इन सब के बीच सबसे ज्यादा फिक्र है तो वो है फोन चार्ज करने की। गांव में लाइन नहीं होने के कारण से ऐसा लाइन देता है, एक दो घंटा लाइन देता है, इसमें चार्ज नहीं होता मोबाइल। इसलिए प्लेटफॉर्म में आया है चार्ज करने के लिए। क्या चार्ज करते हैं? मोबाइल चार्ज करने के लिए। बिजली जलती है गांव? बिजली तो जलती है, तो एक दो घंटा आता है, कब आएगा कब जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है। लोगों की भीड़ स्टेशन पर लगी है ताकि वो अपना फोन चार्ज कर सके। मोबाइल चार्जिंग के लिए लोगों की स्टेशन पर भीड़ लगती जा रही है। अपनी बारी का इंतजार करते करते घंटों तक उन्हें रुकना पड़ रहा है। घर में लाइट नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो 5 मिनट भी नहीं रहते हैं। 24 घंटे में 5 घंटे भी तो आए, और पता नहीं क्या हो रहा है, सरकार ध्यान दे रही कि नहीं कोई पता नहीं, और आके हम लोग को यहाँ चार्ज करना पड़ता है। दर्जनों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं स्टेशन पर जमी हैं ताकि फोन चार्ज हो जाए। उधर गर्मी की मार ने परेशानी दोगुनी कर दी है। आजमनगर प्रखंड में लगभग 5-6 दिन से अभी तक लाइट नहीं आया है। पूरे दिन भर नहीं, 1-2 घंटे देते हैं, तो इसीलिए सुविधा नहीं होने के कारण से प्लेटफार्म में आजमनगर का हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं। हालत ऐसी है कि दिन में केवल 2-3 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। ऐसे में लोगों का बुरा हाल है। उम्मीद है इस समस्या का हल होगा और बिजली की सप्लाई सही ढंग से हो पाएगी। जयप्रकाश भगत, आजमनगर।